फिर से रिलीज होने वाली है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आदित्य चोपड़ा डायरेक्टेड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। इस सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर ने शाहरुख खान और काजोल को सुपरस्टार बनाया। यशराज फिल्म्स ने इस बात की पुष्टि की है कि इस साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर DDLJ को पूरे हिंदुस्तान में फिर से एक बार रिलीज किया जाएगा। YRF के वितरण उपाध्यक्ष रोहन मल्होत्रा ने बताया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है, जो अपनी ऐतिहासिक रिलीज के बाद से ही कई पीढ़ियों से भारत और भारतीयों के लिए रोमांस का पर्याय बन गई। दर्शकों और प्रशंसकों द्वारा हमें लगातार फिल्म के व्यापक प्रदर्शन के लिए अनुरोध किया जाता रहा है, ताकि वे बार बार इस माइलस्टोन फिल्म को अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमाघरों में देख सकें। इस साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। 10 फरवरी से पूरे भारत में DDLJ को केवल एक सप्ताह के लिए, यानी एक हफ्ते के लिए फिर से प्रदर्शित किया जाएगा। DDLJ को बॉम्बे, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ, नोएडा, देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, चेन्नई, वेल्लोर और त्रिवेंद्रम सहित भारत के 37 से ज्यादा शहरों में रिलीज किया जाएगा। दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प बात है कि वैलेंटाइंस डे के इस मौके पर वो शाहरुख खान को राज के रूप में पठान और DDLJ में सिनेमाघरों में देख सकते हैं। रोहन कहते हैं, YRF और SRK न केवल भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर के पर्यायवाची हैं, बल्कि वो ऐसी फिल्मों में सहभागी हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग को नए सिरे से जीवन दिया है, जिनका एक चिरस्थायी सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। ये एक अद्भुत संयोग है कि सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर फिल्म DDLJ YRF द्वारा अपने 25वें साल के समारोह के दौरान जारी की गई थी। इस वर्ष पठान के साथ इतिहास दोहराया गया है, क्योंकि YRF के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान पठान अपने मूल फॉर्मेट में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई।